तो दोस्तों यहाँ से हमारा सासनगीर का जो गांव होता है विलेज वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देख लीजिए तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे न्यू वीडियो में। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है कृष्णा नगर से सासनगीर के लिए। हम जाने वाले हैं यहाँ से, टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो 450 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है वो आज हम कवरअप करने वाले हैं। मे बी 7 से 8 घंटे हमको लगेंगे ये जर्नी में। और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ GSRTC की नॉन AC स्लीपर बस में। तो चलिए बस आ गई है, बस का इंटीरियर वगैरह मैं आपको बताता हूँ, कितना फेयर लगता है हमारा और कितने घंटे में ये जर्नी हम कंप्लीट करते हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऐसे नहीं, हमारी स्टाइल में। दिस इज़ अनूप और आप देख रहे हो अनूप मुसाफर। आप सभी के लिए मैं एक और बेहतरीन बस जर्नी पेश करने वाला हूँ आप सभी के सामने। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करूं इस बस में टिकट की, तो टिकट फेयर जो है वो आपको सीटिंग में आपको 300 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। अहमदाबाद कृष्णा नगर से आपको डायरेक्ट सासनगीर के लिए 300 हमने पे किया है सीटर का। और इसमें अगर जो स्लीपर में जाते हो तो 80 रुपये आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो आपको स्लीपर कोच में आपको सीट्स मिल जाएगी। और 15 स्लीपर आती है और 15 सीटर तो टोटल है। और स्लीपर काफ़ी ज़्यादा जल्दी बुक हो जाती है, तो इस हिसाब से आप लोग जो है अगर जो आप लोग टिकट वगैरह बुक करना चाहो तो GSRTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हो और GSRTC की एप्लीकेशन, फ़ोन एप्लीकेशन से भी आप टिकट बुक कर सकते हो। और इसमें ट्रैवल करना तो आप लोगों को करीबन 2 या 3 दिन पहले जो है वो टिकट्स वगैरह अवेलेबल रहती है, नहीं तो ऑलमोस्ट पे की जाती है ये गाड़ी। तो ये थी आज की हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। और चलिए आगे की जो जर्नी है यहाँ से हम कंटिन्यू रखते हैं सासनगीर के लिए। तो दोस्तों देख लीजिए, ये रही हमारी ड्राइवर की केबिन। देख लीजिए ऊपर GSRTC का लोगो लगा हुआ है। और देख लीजिए अशोक लेलैंड की हमारी बस है, नॉन AC स्लीपर बस है। सामने के साइड में आपको जो भी हमारे कंट्रोलर होते हैं वो, और ये रहा हमारा स्टेयरिंग, और ये रहे हमारे ड्राइवर सर। क्या नाम है सर आपका? दिलीप भाई। तो सर आप GSRTC में कब से ये बसेस चला रहे हो? 15 साल हो गए। तो काफी अच्छा और वेल एक्सपीरियंस सर है, तो 15 साल से GSRTC में सर्विस कर रहे हैं। तो चलते हैं, आज हमारी जर्नी इनके साथ रहने वाली है। अंदर का इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए बस के अंदर का इंटीरियर देख लीजिए, सीटिंग और स्लीपर आपको दोनों इस बस में देखने के लिए मिलेगा। और पुशबैक सीट आएगी और ऊपर जो है हमारा स्लीपर कोच आएगा। तो देख लीजिए कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये लास्ट वाली बर्थ है। डबल और सिंगल में आपको ऊपर की साइड में सोफा देखने के लिए मिल जाएगा। देन इसके बाद नीचे देख लीजिए आपको पुशबैक सीट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये देख लीजिए हमारे साथ में ट्रैवल कर रहे हैं हमारे परम मित्र, तो आज हमारी जर्नी इनके साथ रहने वाली है। और देख साथ में आपको चार्जिंग का पॉइंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली हमने बस में बोर्ड कर लिया है। आपको बता दूं कि टोटल आपको इसमें पुशबैक आपको सीट देखने के लिए आएगा और नीचे की साइड में आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। 2x1 का कॉम्बिनेशन रहता है और ऊपर की साइड में आपको सोफा देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए अभी ऊपर की स्लीपर कोच है, देख लीजिए ये आपको पीछे पुशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। और हो गया हमारा ये सोफ़ा, साइड में आपको कर्टन्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। और प्राइवेसी के लिए देख लीजिए आपको साइड में भी कर्टन्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और सामने की साइड में आपको वाटर होल्डर और साथ में आपको कुछ मतलब आपके शूज़ वगैरह हो तो वो यहाँ पर रख सकते हो। 10-30 के आसपास इसमें सीट्स देखने के लिए मिलेगा और 15 से 17 आपको सोफ़ा देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रहेगी, देखते हैं मे बी आगे जर्नी में क्या होता है। अभी हम कंडक्टर सर से मिलते हैं और बातचीत कराते हैं आपको, और जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, जर्नी आगे कंटिन्यू रखते हैं। और हमारा नेक्स्ट बोर्डिंग पॉइंट हमारा कौन सा आता है अहमदाबाद में वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनकेस मेरे ख्याल से अभी गीता मंदिर आएगा, देन इसके बाद हम पालड़ी होते हुए निकलेंगे, आगे की जर्नी है जो वो करेंगे। देखते हैं हमारा कब तक एक्सप्रेस वे आता है। देख लीजिए दोस्तों सामने हमारी ये रही बस, और अभी हम लोग हैं गीता मंदिर सेंट्रल बस स्टैंड।
ऑलमोस्ट हमारा जो यहाँ पे स्टॉप था वो 10 मिनट का था, अब 9:50 पे यहाँ से हमारी गाड़ी निकलेगी। और देख लीजिए यहाँ पे गीता मंदिर जो हमारा सेंट्रल बस स्टैंड है, बहुत ही ज़्यादा आपको क्राउड यहाँ पे देखने के लिए, और सारी रूट की गाड़ियाँ लगी हुई है देख लीजिए। और चलते हैं, हम भी हमारी बस निकल रही है अब। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी हम लोग है ये पालड़ी का जो ये बस स्टॉप है यहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे एक पैसेंजर जो है यहाँ पे क्रॉस किए, देखते हैं इसके बाद हमारा अगला जो स्टॉप आता है वो कौन सा होता है, देन इसके बाद हमें कब एक्सप्रेसवे मिलता है वहाँ पे, जब मैं आपको केबिन राइड दिखाऊंगा, एक्सप्रेसवे का व्यू दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, राजकोट होते हुए पाया ये जाने वाली हमारी बस। सो दोस्तों टाइम हो रहा है 12, एकदम करेक्ट एकदम 12 बज रहा है, और अभी हमारी जो गाड़ी है ना वो देख लीजिए यहाँ पे लगी है। बबोदरा से आगे हम लोग निकले हैं, अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस की बात करूँ तो हमारा जो है ये अभी 2 घंटे की जर्नी हुई है, 85 किलोमीटर के आसपास की जो जर्नी है ना वो ऑलमोस्ट हमने कम्प्लीट कर लिया है। और अभी देख लीजिए, अभी हम खड़े हैं, देख लीजिए ये है हमारा नेशनल हाईवे NH 48 जो अहमदाबाद राजकोट को कनेक्ट करता है, और ये देख लीजिए हमारे यहाँ पे GSRTC की सारी बसेस लगी हुई है, ये हमारा ऑफिशियली होल्ड है। और देख लीजिए हमारी बस जो है ये रही जो हमको सासन गिर लेके जाएगी। हमारा करंट लोकेशन की बात करूँ तो देख लीजिए अभी हम जो है वो बबोदरा से आगे ही निकले हैं, और ऑलमोस्ट इसके बाद देखते हैं हमारा चोटीला आएगा, चोटीला के बाद हमारा राजकोट आएगा, राजकोट होते हुए हम देखते हैं कौन सा रूट पकड़ते हैं। तो आगे की जो जर्नी है वो यहाँ से एक्सप्रेसवे की कंटिन्यू आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, केबिन राइड्स जो है वो भी मैं आपको जितना मेरे से हो सके वो मैं बताऊँगा। और तो दोस्तों देख लीजिए ये है अहमदाबाद से राजकोट को जो कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे NH 47, तो देख लीजिए कुछ ऐसा नज़ारा है। और अभी जस्ट हम लोग खड़े हैं चोटीला के आगे, इससे पहले हमारा जो स्टॉप आया था वो लिमड़ी, और इसके बाद अभी अब तक की बात करूँ तो टाइम हो रहा है 2:30 और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली हमने जो 175 किलोमीटर तक की जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। और अभी हमारी गाड़ी जो है चोटीला के बाद यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारी बसेस लगी हुई है, यहाँ पे 5 मिनट का होल्ड लिया है चोटीला के बाद। तो अभी हमारी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, फ्रेश वगैरह जिसको होना था वो हुआ, और अब हमारी गाड़ी यहाँ से निकल रही है, देख लीजिए सामने वो स्लीपर कोच में जो पता नहीं कौन से रूट पे जा रही है, बट देख लीजिए बहुत सारी बसेस लगी है, हमारी बस ये रही। तो अभी हमारा यहाँ से होल्ड कंप्लीट होता है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जर्नी जो है हमारी यहाँ से रहेगी कंटिन्यू राजकोट के लिए। तो दोस्तों रात के 3 बज रहे हैं और अभी हमारी जो बस है ना वो राजकोट पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट हमने 215 किलोमीटर तक की जो जर्नी है वो 6 घंटे के अंदर में कंप्लीट कर ली है। देख लीजिए हमारी बस जो है वो अभी प्लेटफॉर्म से निकल रही है, 1 मिनट का ही यहाँ पे ब्रेक था, फिर कुछ पैसेंजर जिनको उतरना था वो उतरे राजकोट वाले, देन अभी हमारी बस जो है वो निकल रही है यहाँ से, देख लीजिए। फाइनली दोस्तों जो हमारी 8 घंटे की जर्नी थी वो ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। डिस्टेंस जो हमने अभी तक कवर किया है वो 285 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कवर अप किया है 8 घंटे के अंदर में, देख लीजिए। ये अभी हम लोग जो करंट लोकेशन खड़ा है 5 बज रहे हैं, अभी हम लोग खड़े हैं जैतपुर बस स्टैंड है, देख लीजिए कुछ ऐसा यहाँ का बस स्टॉप है ये, और सामने की साइड में देखिए वो एक दुकान है, और यहाँ पर देख लीजिए हमारी बस यहाँ पर लगी हुई है, ये हमारी बस है। और अभी हमारी जो है यहाँ से 3 घंटे के आसपास की जो जर्नी है ना यहाँ से हमारी रहने वाली है, तो चलिए यहाँ से जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखते हैं सासन गिर के लिए।
मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सासन गिर में। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो अभी हमारा बाकी है। और देख लीजिए पीछे हमारी ये रही GSRTC की बस, जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ये सीटर और स्लीपर दोनों बस है। टोटल इसमें 30 सीट आती है, 15 स्लीपर और 15 सीटर आती है, देख लीजिए। तो ये हमारी कुछ हमारी आज की ये बस थी जिससे हम आज जर्नी कर रहे हैं। रात के 9 बजे इसका बोर्डिंग पॉइंट था कृष्णा नगर से। और अभी हम लोग हैं सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी हम लोग सासनगिर, यहाँ से मतलब जो हमारा घाट वाला सेक्शन चालू होगा, जंगल पूरा फॉरेस्ट इलाका होगा, वो मैं आप सभी का पूरा व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली देखते हैं हमको मे बी 45 मिनट के आसपास लगी गई ये जर्नी हमको कम्प्लीट करने में। टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो हम लोग 400 किलोमीटर तक के आसपास का जो डिस्टेंस है वो आज हम पूरा कवरअप करने वाले हैं। देखते हैं कितना घंटा लगता है। और देख लीजिए सनसेट का व्यू भी, सनसेट का भी मतलब देख लीजिए कुछ यहाँ से व्यू वगैरह। और ये रहा हमारा जो है वो फॉरेस्ट की तरफ ये रोड जाएगा। तब चलते हैं, यहाँ से आपको मैं खूबसूरत नज़ारा दिखाऊँगा फॉरेस्ट का, जो हमारा जो सौराष्ट्र की मतलब जो यहाँ से हमारा गिर का जो सेक्शन चालू होगा घाट वाला, तो वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से अपनी जर्नी को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। सो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सासनगिर में। और यहां से हमारा जो है फॉरेस्ट का इलाका चालू होगा पूरा। और ये हमारा जो है ये चेक पोस्ट है। सो देख लीजिए इस रोड पे आपको कैमरे भी देखने के लिए मिलेगा और इस पे लिमिट है, 40 से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। देख लीजिए सभी जगह पे आपको CCTV कैमरा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से जो है हमारा फॉरेस्ट का जो विभाग है वो चालू होता है पूरा। देख लीजिए सामने के साइड में आपको यहाँ पे पोस्टर्स भी लगे दिखेंगे। और ये पूरा हमारा जो है यहाँ से पूरा फॉरेस्ट का इलाका चालू हो जाएगा, मतलब सासन की। तो देख लीजिए यहाँ से मतलब जो है देवलिया सफारी पार्क जो है यहाँ से विजिट करने जा सकते हो आप लोग। फुल फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे बुकिंग वगैरह के लिए बुकिंग वगैरह करवाना होगा तो। फिर आपसे मिलते हैं। हां जी, जो ये आओगी आइए तो हम आइए। हां दे, चलो दादा नंबर आ लो तो ना। हां नंबर दे देना मेरा। सो दोस्तों, फाइनली हमारी जो जर्नी है ये कंप्लीट होती है। अहमदाबाद से सासनगिर तक की जो हमारी ये जर्नी थी, ऑलमोस्ट हमारे हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो 420 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कवर किया। और मे बी 11 से 12 घंटे हमको लग गए यहाँ तक जर्नी करने में। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को सारी डिटेल बताई कि हमारी कौन सी बस थी, किस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट था, स्लीपर कोच था, सीटिंग था, दोनों कॉम्बिनेशन था। हमारी जो GSRTC की न्यू अपडेट बस थी उसमें, तो ये जर्नी मैंने आपको GSRTC में सारी डिटेल आपको बताई कि कैसे आप टिकट बुक कर सकते हो, कितना टिकट फेयर होता है, कितने घंटे में ये जर्नी हमने कंप्लीट की, कितने किलोमीटर तक की। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।